नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम खत्म होने वाला, और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम खत्म होते ही राजधानी पटना में अप्रैल महीने में शिक्षा मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार भर से तमाम जो छात्र हैं वो शिक्षा मेला में पहुँचेंगे, और शिक्षा मेला में पहुँचने के बाद उन तमाम छात्रों को तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। और देखिए, जो शिक्षा मेला के जो आयोजन करता है रोशन कुमार, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। शिक्षा मेला 23 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 100 प्लस रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और हम लोग के बिहार में जो 3800 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आएंगे उसको जागरूक किया जाएगा भाई। इसके बाद उसको स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा, और कैसे इसमें दाखिला होता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। उसको कोई टेस्ट वगैरह आयोजित किया जाएगा? ये टेस्ट नहीं, यहाँ फ्री एंट्री है। जो भी बच्चे आएंगे, एक लकी ड्रॉ कूपन टाइप का सिस्टम बना हुआ है, ये लेंगे। इसके बाद उसको कुछ हम लोग गिफ्ट भी, मतलब कि उसके लिए बच्चे के लिए जो निहायत ज़रूरी, जैसे लैपटॉप है या फ़ोन भी है या कहिए कि बाईसाइकिल है, ये सभी कुछ हम लोग गिफ्ट के तौर पे बच्चे लोग को प्रदान करेंगे प्रोत्साहन के तौर। ये यही आयोजन होगा। ये अलीना रिसोर्ट महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स 5th फ्लोर बुद्धा के पार्क के जस्ट अपोजिट। इसका मोटो क्या है सर, उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि बस हम लोग का बिहार से जो भी बच्चे कुछ भी तरह का शिक्षा के संबंधित यदि सोचे तो वो A to Z देखो के साइट पे जाए, और जो हम लोग का 100+ इंस्टीट्यूशन यहाँ आ रहे हैं उसके बारे में वो डिटेल जानकारी यहाँ, क्योंकि अभी टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, अभी बिहार के बच्चों में दो चीज़ माना जाता है कि एक इंजीनियर या तो डॉक्टर बने, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चीज़ों की डिमांड है, काफ़ी कोर्सेज, पैरामेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मेसी हो गया, BBA हो गया, BBA, आप BBA में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ गए हैं आपकी, वो कर सकते हैं, BBA फिनांस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वो सारे कर सकते हैं। तो बच्चों को अभी भी वो जानकारी का अभाव है, जिसमें हमारे बिहार के बच्चे खास करके पिछड़ जाते हैं जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी वैसे प्रोग्राम रन नहीं करवा जाते हैं। तो कैरियर A to Z के माध्यम से रोशन जी एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं। पूरे बिहार के 3800 जिले के बच्चे यहाँ पर सम्मिलित होंगे, कोर्स के बारे में जानेंगे, संस्थान के बारे में जानेंगे, कैसे क्या उसमें पढ़ना होता है, कहाँ किनके प्लेसमेंट होती है, किसकी क्या फ़ी होती है। अगर फ़ी की भी बात करें तो बिहार सरकार जो कि 7 निश्चय योजना में बिहार सरकार ने बोला है आर्थिकल युवाओं को बल, 4 लाख तक बिहार सरकार वित्त निगम के द्वारा, ना कि बैंक की ओर से, वित्त निगम बिहार सरकार ने बना रखा, वित्त निगम की ओर से बच्चों को 4 लाख तक का एक अनुदान राशि, सहायता राशि दी जाती है, जिसमें कि लड़कियों के लिए मात्र 1% सिंपल इंटरेस्ट होता है और लड़कों के लिए मात्र 4% सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे A to Z रोशन जी। फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि वो ले या नहीं ले। ये बच्चे बिहार सरकार क्रेडिट कार्ड लेना है कि इसमें 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आने के बाद यहाँ पे बच्चे जो है 1-to-1 इंटरेक्ट विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, वो अपना क्वेरी करेंगे और उनके पॉकेट को जो अलाउ करता है उस अकॉर्डिंग वो अपने पढ़ाई को आगे अग्रसर कर सकते हैं। कोई भी कोर्सेज वो करना चाहे, B Pharma, D Pharma, जो भी करना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और यहीं पर होगा 23 अप्रैल 2023 को, जहाँ पर बच्चे पूरे ऑल ओवर बिहार से बच्चे आएंगे और अपना क्वेरी जो है और काउंसलिंग करवाएंगे, कैरियर काउंसलिंग करवाएंगे, और यहाँ से जो भी बच्चों जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्या ये कोई कंसल्टेंसी है या फिर आपका कोई वेबसाइट होगा? A to Z क्या है? A to Z देखो, एक एजुकेशन की लाइन में एक सर्च इंजन है, जो बच्चे कोई भी तरह का स्कॉलरशिप के लिए बच्चा वहाँ जा करके साइट पे देख सकता है कि क्या क्या चीज़ का स्कॉलरशिप। अभी बिहार सरकार, जैसे हम लोग को कोई बच्चा ग्रेजुएट हो गया तो बिहार सरकार BPSC को जो भी बच्चा PT पास करते हैं उसको 50,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। उसी टाइप के जो बच्चे 10+2 कर रहे हैं, IOCL है, ONGC कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि बच्चे लोग को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। यही सब हम लोग के साइट पर पूरे तरह से, मतलब कि विवरण के साथ दिया हुआ है। कब से ये वेबसाइट रन कर रहा है? ये हम लोग का वेबसाइट तो 2 साल से रन कर रही है, लेकिन हम लोग की संस्था जो है प्रॉपर रूप से 15 साल से चल रही है। कैसा रीच रह रहा है छात्रों का इस पर, और किन क्लास के छात्रों के लिए ये ज्यादा? मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे 10+2 वाले बच्चे ज़्यादा विजिट करते हैं 80%, और 20% बच्चे UG वाले बच्चे, जिसको आगे की ओर मैनेजमेंट की ओर कोर्स करना है, जैसे MBA हो गया, PGDM हो गया,
वो बच्चे मेरे यहाँ ज़्यादा कैट मैट जेट के थ्रू उनका दाखिला होता है, वो बच्चे मेरे यहाँ ज़्यादातर विजिट करते हैं मेरे सेट पे। अलॉन्ग विथ देयर ऑल द कोर्सेज ऑल द स्ट्रीम्स की हम कौन कौन से कोर्सेज करें, क्या पढ़ाई करें, हम अपना करियर क्या ऑप्ट करें, उस विषय में हमारे पास काफ़ी काउंसलर भी होंगे, नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं जो हमारे जो भी बच्चे आएंगे प्लस टू के बाद उनको अपने करियर ऑप्शंस में क्या क्या करना है उसके बारे में एडवाइस भी करेंगे। अलॉन्ग विथ एडवाइजरी जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद यहाँ मौजूद होंगे जिनसे उनके कोर्सेज देखे जा सकते हैं, उनके क्या स्कॉलरशिप हैं ये देखे जा सकते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर में हम क्या उनको हेल्प कर सकते हैं ए टू जेड। ऑन बिहाफ ऑफ ए टू जेड मैं ये कह रहा हूँ कि ए टू जेड अगर वहाँ इन्वॉल्व है तो उनको क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं, इन्हीं सब विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जो 23 अप्रैल को वेन्यू हमने जैसे बताया कि ये अलीना रिजॉर्ट होगा जहाँ पे हम आज भी मौजूद है, जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, द सेम वेन्यू ऑन द डेट ऑफ 23 अप्रैल 2023 ए टू जेड द्वारा एजुकेशन फेयर लगाया गया है। इट्स ऑल अबाउट दैट जो बिहार के बिगेस्ट एजुकेशन फेयर में से एक है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 80% जो इसमें हमारे जो लाभान्वित जो सेक्टर होगा वो प्लस टू के छात्र होंगे जिन्होंने प्लस टू किया है या फिर रिपेयरिंग स्टूडेंट हैं, तो वो आएंगे अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी है तो ऑन बिहाफ ऑफ ए टू जेड जो भी हमारे लिस्ट ऑफ काउंसलर्स होंगे, लिस्ट ऑफ एडवाइजर्स होंगे, उनको उसमें हेल्प करेंगे कि आपका कैरियर ऑप्शन क्या होना चाहिए या फिर आप अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो इसमें कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी की चीज़ें जो हैं 23 अप्रैल 2023 को जहिम वेन्यू पे होंगी। धीरज कुमार पांडे एडवाइजर ए टू जेड। तभी आपने देखा जो शिक्षा मेला के जो आयोजनकर्ता हैं रोशन कुमार, उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में शिक्षा मेला का आयोजन किया जाएगा जिसमें बिहार भर से तमाम जो नौजवान हैं जो छात्र हैं वो इस शिक्षा मेला में पहुंचेंगे और शिक्षा मेला के जरिए उनको तमाम तरह की जो तकनीकी शिक्षा होती है, जो छात्र होते हैं जो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग पर ही फोकस करते हैं और भी जो तकनीकी शिक्षा होती है मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद, उन तमाम शिक्षाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और वहीं उनको गाइड भी की जाएगी। और भी क्या कुछ कह रहे थे जानकारी देते हुए शिक्षा मेला का आयोजनकर्ता रोशन कुमार, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।